मतलब को भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स। आज हम आपको अविश्वसनीय अकल्पनीय कुछ चीजों को दिखाना चाहते हैं। हम खड़े हैं सिटी सेंटर के मध्य में, जहाँ पे आज एक रैंप शो होने वाला है। देवी बुटीक एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सानिध्य में यह वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 के स्टेज पे एक फैशन शो होने वाला है, जिनका आज थीम है बाउल। तो गमछे से आप विश्वास नहीं करेंगे, देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और चीज़ों का आप स्पष्ट तब समझ पाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक गमछा जिसको केवल आप हाथ और अपना मुंह पोछने के लिए उपयोग में लाते हैं, उस गमछे से क्या क्या चीज़ बनाया जा सकता है। गमछे को ही धारण करके तमाम आज मॉडल फीमेल और मेल स्टेज पर रैंप शो करते हुए नजर आपको आए। तो जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के, हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपका स्वागत है मैम, मैं पंकज द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। तो आज का जो परफॉर्मेंस था आपका, ये जो भी रैंप शो वगैरह हुआ, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दीजिए कि क्या था, इसका थीम क्या है, सब बताइए। नमस्कार, मैं जो बोल रही हूँ कि फर्स्ट टाइम ये कि आज मैं जो डिज़ाइन किया, ये बाउल का डिज़ाइन देख के मैंने इसको गामछा से उसका थोड़ा चेंज किया, तो सबका स्टाइल थोड़ा बाउल के जैसा ही था। और ये जो गामछा से मैं ज़्यादा ये काम करती हूँ, ऐसा मीन्स गामछा, बेंगोली गामछा लेके मैं डिज़ाइन करती हूँ। तो ये क्यों करती हूँ कि अभी जो बात है ना, जो हम लोग का जो क्या होता है ना, हम लोग का जो छोटा छोटा जो बिजनेस है, जो लोग हाथ से गामछा उमछे बनाते हैं, इन लोगों का क्या होता है ना, बिजनेस अभी बहुत एकदम ख़राब हो गया। तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं ये काम स्टार्ट किया, अभी मैं ये सब करती हूँ गामछा लेके। बाय द वे मैम, आप कितने वर्षों से इस कार्य में संलग्न हैं? मैं तो एक्चुअली 2019 से ये सब कर रही हूँ डिज़ाइन का काम। तो अभी गामछा लेके मैं, मेरा फोर्थ ईयर हो गया गामछा लेके, एसएमएस गामछा और बेंगोली गामछा लेके मैं ज़्यादा डिज़ाइन कर रही हूँ। ये रैंप शो का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? रैंप शो का प्रेरणा, जैसे पहले जब मैं स्टूडेंट था, मैं देखती थी कि हर जगह में ये सब होता है, तो मेरे भी तब से ही मन था कि कभी मैं एक डिज़ाइनर बनूँ। अच्छा डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर होने के बाद मेरा भी इच्छा है कि मैं ज़्यादा ये सब लोकल आर्टिस्ट लोगों के लेके, मॉडल लेके ही ज़्यादा काम करती हूँ। और यही मेरा इच्छा है, सबसे प्रेरणा है कि सब मेरे को आशीर्वाद करे क्योंकि मैं और भी आगे बढ़ सकूँ। भविष्य का आपका क्या प्लान है? मेरा तो प्लान है कि जैसे मैं अभी क्या है ना, जो नीडी फैमिली का मेरा तो इंस्टीट्यूट है, नीडी फैमिली जो है वुमेंस लोगों को भी मैं स्टिचिंग वगैरह सिखाती हूँ, डिज़ाइनिंग का काम भी सिखाती हूँ, और स्पेशल चाइल्ड भी है उन लोगों को भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ। तो और जो मेरा कोर्स में जो सीखता है वो तो अलग ही है, लेकिन ये सब लेके भी मैं काम करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सब मेरे को थोड़ा ये सपोर्ट करें। आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है, आप अपना परिचय देते हुए बता दीजिए। देवी बुटीक एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, प्रधान नगर में है। प्रधान नगर में कहाँ पे? मार्गेट स्कूल से? मार्गेट स्कूल का रोड में, निवेदिता रोड में ही है, मार्गेट स्कूल से सामने ही है। थैंक यू मैम।
तो आज का जो थीम था इसके बारे में बताइए और कैसा लगा आपको ये सभी स्टूडेंट्स को ये करवा के प्रिपेयर करवा के? एक्चुअली मैं नहीं बोलूँगा कि ये मेरा स्टूडेंट है, सब मेरा भाई बहन और स्टूडेंट भी है कुछ कुछ। तो हम लोग दो दिन से रिहर्सल कर रहे, तो जो भी किया उन्होंने बेस्ट किया, अच्छा लगा मुझे कि सब ने अच्छा किया। और आज का जो थीम है पूरा हम लोग का जो डिजाइन है देवी डे बुटीक है, जो बहुत अच्छा, तो दीदी के साथ में बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, तो दीदी ऐसे नया नया थीम बहुत लाते हैं, हम लोग बहुत करते हैं, ये हम लोग का पहला नहीं है, हम लोग ऐसे बहुत करते हैं। सो आप लोग भी यूनिक लग रहा है ना, बहुत अच्छा डिजाइनर है देवी दी, और देवी दी हम लोग का सबसे फेवरेट होता है, पापा भी हम लोग को बहुत हेल्प करता है, इसलिए हम लोग आज परफॉर्म कर पाए। ये बहुत यूनिक था, तो ये थीम बहुत पसंद आया, हम सबको पसंद आया, और ड्रेस तो देख ही सकते हो बहुत ज्यादा प्रीटी है। अच्छा, कई बार ये होता है ना जैसे कि कुछ स्टूडेंट से कुछ गलतियां होती हैं, हाँ, तो हमसे भी होता है, सबसे होता है। हाँ, तो आपको क्या लगा जो आपके साथ थे, आपके गुरु के रूप में, बड़े भाई के रूप में, दीदी के रूप में, माँ के जैसा जो भी, तो उनके तरफ से आपको कैसा कोऑपरेशन मिला? वैसे बहुत अच्छा, वो लोग कोरियोग्राफी भी किए थे और सपोर्ट भी किए थे, हम लोगों से गलती भी हो रहा था फिर भी वो लोग हम लोगों पर विश्वास रख रहे थे, तो वो बहुत अच्छा है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा ये देख के। सर का सच्चा हाउस है सर, हम लोगों को आगे और भी लेके जाएंगे, बहुत सारे मंच में आज सर ने लाया, देवी मैम का पहले भी शो हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग सिलीगुड़ी में बहुत सक्सेसफुल। अच्छा, भाई को तो मैंने सुना, बहन कुछ नहीं बोल रही है, आप लोगों का क्या मनोवृत्ति है, प्लान है, एम्बिशन है, टारगेट है? honest, अभी प्लान का कुछ नहीं है, अभी प्लान अभी बस आगे चलते जाना है, जितना करना है करते रहेंगे करते रहेंगे, जब मतलब होना होगा तो भगवान खुद ही दे देगा, अभी बस पॉजिटिवली करते जाना है। और जो हमारे जो अभी सर मैम जो थे, आप लोग देख ही सकते हैं हमारा ड्रेस कोड, मतलब हम लोग बहुत ही फ्रेशर है हम में से कोई, तो जैसे हम लोग को ग्रूम किया गया है, फिर हम लोग को पे ट्रस्ट करके हम लोग को स्टेज दिया गया है, फिर हम लोग में जो मतलब उन लोग का जो ट्रस्ट था, फेथ था, दैट वाज वेरी लवली, एंड लाइक मेरे लिए तो ये मतलब आई वाज वेरी नर्वस, बट टू बी ऑनेस्ट सब ने सपोर्ट किया मुझे, सब ने एक टीम हो के हम लोग ये कंप्लीट किया, होप टू मतलब आगे हम और भी अच्छा कर पाए, यही। आप सभी को मेरे पूरे टीम के तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपकी फ्यूचर ब्राइट हो और ढेर सारी शुभकामनाएं, ग्रेट, आप लोग सभी मतलब एक डायनामिक पर्सन मैंने जो देखा है स्टेज पे। मैं मधुमिता घोष, मधुमिमा फैसिनेशन एंड एकेडमी मेरा है। आज इन लोगों का थीम था बाउल और ये गमछा से किया गया, तो देवी जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने एक गांव से एक सामान लेके, जो गमछा हम हर घर में यूज़ होता है, हर घर में हम लोगों का गमछा यूज़ होता है, लेकिन इस गमछे को हमने अगर सार्वजनिक सबके सामने लेके आना और उसी से एक ड्रेस बनाना, ये तो बहुत, हम लोग सैल्यूट करते हैं देवी दी को, और इन्होंने इतना अच्छा किया, और भाई को भी बहुत अच्छा, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा कोरियोग्राफ किया, सिर्फ गमछा से हम लोग सर और मुंह नहीं पोछते, उसके हम कपड़ा भी बना के पहन सकते हैं, सबका एक एक ड्रेस एकदम यूनिक है, बाहर से कोई देखेगा तो बोल नहीं सकता ये गमछा से बना हुआ है, एक मामूली सामान जो बाहर से आपको 100-200 में मिल जाता है, बट वो 100-200 अगर किसी के सोने के हाथ में आ जाए तो सोने जैसा बनता है, तो इन लोगों ने वो कमाल करके दिखाया। और यहाँ पर जितना स्टूडेंट लोग है